नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह खास रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपनी पहचान बनाने वाले पंडित बजरंग त्रिपाठी अब 75वें साल के हो गए। उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले उन्हें आजमगढ़ के पत्रकारों द्वारा सम्मानित किया गया। वे अपने सम्मान से अभिभूत दिखे और उन्होंने अपने सम्मान समारोह के दौरान पहुंचे पत्रकारों को भी सम्मानित किया, उन्हें साल देकर के साधुवाद दिया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि पंडित बजरंग त्रिपाठी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें पूरा पूर्वांचल जानता है और उनका योगदान आजमगढ़ के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर आजमगढ़ के दर्जन भर पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। आप लोग सम्माननीय हैं, आप लोगों को जितना सम्मान किया जाए कम है, क्योंकि आप समाज को एक आईना दिखाते हैं, समाज में एक अच्छाई फैलाते हैं। संदेश तो स्वतः संस्था बताती है कि आदमी को करना चाहिए, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, तो उसको देख करके बहुत से लोग संस्थाएं खोल रहे हैं, चला रहे हैं, लोगों को कुछ न कुछ तो लाभ मिल रहा है, तो मिलते रहना चाहिए। ऐसे ही प्रकृति का नियम है, समाज चल रहा है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मालवीय आदरणीय हम लोगों के अभिभावक और इस जनपद को हमेशा कुछ देने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री बजरंग त्रिपाठी जी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सभी आजमगढ़ के सम्मानित हमारे सहयोगी परम आदरणीय सभी पत्रकारों की तरफ से हम लोगों ने पूर्वांचल के अपने मालवीय का सम्मान आज किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि इस जनपद को उनकी दीर्घायु की जरूरत है और इस मंगल मौके पर कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु रखें ताकि समाज को सतत कुछ न कुछ उनसे प्रेरणा मिलती रहे।